हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आबू रोड माउंट आबू के बीच पहाड़ी रास्ते में पलटा टेम्पो ट्रैवलर। आबू रोड माउंट आबू पहाड़ी मार्ग पर शनिवार शाम को सैलानियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर पलट गया। हादसे से सैलानियों में कोहराम सा मच गया। सैलानी रेगुलर ऑटो टेम्पो ट्रैवल में फंस गए। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस वाहनों की मदद से घायलों को आबू रोड के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। गुजरात के राजकोट से सैलानी माउंट पहुंचे। टेम्पो ट्रैवलर जाते समय आबू रोड माउंट आबू मार्ग के बीच टेम्पो ट्रैवलर पलट गया। इससे राजकोट के 15 सैलानी घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस के चालक राकेश यादव और सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। घायलों को 108 एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से आबू रोड के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सा और नर्सिंग कर्मियों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया। सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दुर्घटना के चलते माउंट आबू रोड मार्ग बाधित हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा। माउंट आबू से उतरते हुए बस का एक्सीडेंट हुआ जो गिरी है, और उसमें तकरीबन 15 के करीब पेशेंट आए हैं। सभी का इलाज हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों को गंभीर चोट है जिनको इलाज किया भी जा रहा है। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।